विष्णु के दल पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदाम गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका पाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी चट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम चेहरे तीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचाए। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। शाम होने को है पर ये यहां से जाने का नाम नहीं ले रहा।
अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण धरती पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा। क्या सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे पूरे माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। सुनो जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आनंद हुआ। महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, क्या कहा, सुदामा, मेरा डांस सीखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा ना बस सुभाने चरण पादुका को पहनने स्वामी